हेलो एवरीवन। तो देखिए, यहाँ पर हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ दियर सर्कुलर पाथ इज 6:5 एंड दियर रेस्पेक्टिव मास इज 9:4 देन द रेशियो ऑफ दियर चार्ज विल बी। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया दो चार्ज पार्टिकल है, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, यानी सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे और इनके रेडियाई का रेशियो दिया गया है और मास का भी रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ चार्ज फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है हम लिख लेते हैं, गिवन K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है और यहाँ पर R1 अपॉन R2 का रेशियो दिया है 6:5 और मास M1 अपॉन M2 का रेशियो दिया है 9:4 और फाइंड करना है Q1 अपॉन Q2। तो यहाँ पर हम सर्कुलर पाथ में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू होता है mv अपॉन qb और इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी और ये अपॉन में qb होगा। तो यहां से हम R1 लिखेंगे तो ये अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q1b, ये m1 मास है। r2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q2b। इसे सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू, रेडियस का रेशियो दिया है 6:5 तो ये हो जाएगा 6/5। काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा इक्वल टू q2/q1 और यहां पर अंडर रूट के अंदर है m1/m2। M1 अपॉन M2 का रेशियो दिया है 9:4 तो 9/4 यहां पर लिख देते हैं तो यहां से q1/q2 आ जाएगा 5/6 × 3/2 तो 5/4, यानी इसका जो आंसर करेक्ट आएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5:4 होगी, जो रेशियो ऑफ चार्ज की वैल्यू होगी 5:4 के इक्वल होगी। तो देखिए, ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आ जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ टू टर्न्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड B1 एट इट्स सेंटर, द क्वाइल इज अनवाउंडेड एंड इज रिवाउंड इनटू ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ 5 टर्न्स एंड द सेम करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड B2 एट द सेंटर, रेशियो ऑफ B2/B1 फाइंड करना है। तो देखिए, ये सर्कुलर क्वाइल है,
देखिए ये सर्कुलर कॉइल हमने ली है और इसमें ये करंट आई है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पहले हम 2 लेंगे, इसकी रेडियस को हम R1 ले लेते हैं, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये B इक्वल टू होता है म्यू नॉट, जो फार्मूला होता है NI/2R। तो यहां पर B1 जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये हो जाएगी म्यू नॉट N की वैल्यू 2I की वैल्यू I लिख देंगे और upon 2 R1, R1 रेडियस हम निकालेंगे यहां पर। देखिए इसकी लेंथ जो है L है, 2 राउंड होंगे इसके, तो ये 2 × 2π R1 के इक्वल होगी, तो यहां से रेडियस जो आएगी L/4π के इक्वल होगी। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं μ0 × 2I1/2 × L/4π। तो ये 2 times डिवाइड हो जाएगा, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये B1 की वैल्यू आ जाएगी, 2π को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 μ0 πI, एक मिनट, ये I1 नहीं है, upon L, ये B1 की वैल्यू होगी। जब B2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो 5 हो जाएंगे, तो μ0 5I/2R2 की वैल्यू यदि अगर हम लिखे तो ये L = 5 turn है, तो 5 × 2π R2 लिखेंगे, तो यहां से R2 की वैल्यू आएगी L/10π। वैल्यू पुट कर देते हैं μ0 5I/2, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 μ0 πI/L, ये B2 की वैल्यू होगी। अब B2/B1 निकालना है, B1 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये B1 की वैल्यू है 4 μ0 πI0, सॉरी μ0 πI है, I/L, πI0 नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/4 के इक्वल। तो इसका जो रेशियो आएगा 25/4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 0.1 kilo electron volt मूव्स एट राइट एंगल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिख लेंगे, गिवन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दी है 0.1 kilo electron volt दी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी होती है qB/2πm, q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, b की वैल्यू 10⁻⁴, पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 9, ये दिया गया है 9 × 10⁻³¹। तो इसे सॉल्व करेंगे
तो देखिए ये 1.6 ये 2 टाइम हम इसको अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर सकते हैं और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 9 36 हो जाएगा और इस 10^-31 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो 19 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 23 में अगर 31 ऐड करेंगे तो 10^8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36 और इसको हम 100 × 10^6 डिवाइडेड बाई 36 लिख सकते हैं और इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 2.8 × 10^6 हर्ट्ज के इक्वल आएगी। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बी एक्स एंड बी वाई आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू क्वाइल्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ईच कैरिंग इक्वल करंट इफ क्वाइल एक्स हैज 200 टर्न्स एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस एंड क्वाइल वाई हैज 400 टर्न्स एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस द रेशियो ऑफ बी एक्स एंड बी वाई। तो देखिए बी एक्स एंड बी वाई ये मैग्नेटिक फील्ड दिए गए हैं दो कोएक्सियल क्वाइल एक्स और वाई के लिए, इनमें नंबर ऑफ टर्न्स एक्स में 200 है, रेडियस 20 सेंटीमीटर और वाई में नंबर ऑफ टर्न्स 400 और रेडियस 20 सेंटीमीटर, बी एक्स और बी वाई का रेशियो फाइंड करना है। तो जो फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 R होता है, तो यहां पर हम फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे, बी एक्स की वैल्यू म्यू नॉट, एन की वैल्यू 200 और आई की वैल्यू आई अपॉन सेम करंट फ्लो कर रही है 2 × रेडियस ये 20 सेंटीमीटर है, बी वाई लिखेंगे तो ये म्यू नॉट एन की वैल्यू 400 आई की वैल्यू सेम करंट है 2 × 20, इसका रेशियो लेंगे म्यू नॉट आई 22 ये कैंसिल हो जाएगा और बी एक्स अपॉन बी वाई का रेशियो निकालना था 1/2 यानी 1:2 आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेवर इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद टाइम टी, फाइ इज इक्वल टू 8t²-90+5। तो देखिए यहां पर फ्लक्स दिया गया है 8t²-90+5 और रेजिस्टेंस दिया गया है t इज इक्वल टू 0.25 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, पहले ई इंड्यूज निकालेंगे, ई इंड्यूज की वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी लेंगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो डी अपॉन डी टी फाइ की वैल्यू पुट कर देंगे 8t²-90+5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16t-9 हो जाएगा और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ये इतनी कम जगह में वैल्यू पुट करने से आंसर तो नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं −16 × 0.25 −9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए इंड्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5।
अब यहां पर करंट निकालना है, आई इंड्यूज की जो वैल्यू होगी ई इंड्यूज अपॉन आर के इक्वल हो जाएगी, और ई इंड्यूज की वैल्यू आई है 5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 20, तो 1/4 होगी, डिवाइड करेंगे 0.25 आएगी वैल्यू, ये एम्पियर में आएगी। आंसर हमको मिली एम्पियर में निकालना है, तो 250 × 10⁻³ लिखेंगे, यानी 250 mA ये आंसर आएगा। देखिए यहां पर ये आंसर हमको मिली एम्पियर में फाइंड करना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम फाइ इज इक्वल टू 2/3 (9 - t²). द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल टिल द फ्लक्स बिकम्स 0। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू दी गई उसे हम लिखेंगे, एक क्वाइल दिए जिसका रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू दिए 8 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया है, और फ्लक्स दिया गया है फाई की वैल्यू 2/3 (9 - t²), और यहां पर एच हीट फाइंड करना है, कब तक, जब तक फ्लक्स जीरो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम फाइ इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2/3 (9 - t²) इज इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, t² = 9, तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब e इंड्यूज निकालेंगे, मोड ऑफ -d5/dt करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d/dt (2/3 (9 - t²), इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 9 का 0 हो जाएगा, t² का 2t होगा, और 2 × 2 = 4t/3, तो ये e इंड्यूज की वैल्यू आ जाएगी 4t/3। अब हीट निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ v² / r/dt लिमिट 0 से 3 लगा देंगे, तो यहां पर r की वैल्यू है 8, तो 1/8, v की वैल्यू 4t/3 है, तो 16t²/9 हो जाएगा, तो 2/9 कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, और t² का इंटीग्रेशन करेंगे t³/3 होगा, लिमिट पुट करते हैं, t की वैल्यू 3 × 3³ (27/3), और इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 3 = 27, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल हीट आ जाएगी h की वैल्यू 2 जूल आएगी। जब तक फ्लक्स जीरो होगा, तो t = 0 से जब तक फ्लक्स जीरो होगा, जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो 2 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बार मैग्नेट पे है, 2 बार मैग्नेट ऑसिलेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड रेस्पेक्टिवली इफ दियर मोमेंट्स ऑफ इनर्सिया आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 देन द रेशियो ऑफ दियर मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी। तो देखिए यहां पर 2 बार मैग्नेट दिए जिनका टाइम पीरियड 3 और 4 सेकेंड दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का रेशियो दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो फाइंड करना है,
तो जो गिवन है हम लिखेंगे गिवन टी वन की वैल्यू 3 सेकेंड है, टी टू की वैल्यू 4 सेकेंड और मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम वन अपॉन एम टू का रेशियो दिया है 3:2। एक मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का रेशियो दिया है, सॉरी, ये आई वन अपॉन आई टू का रेशियो दिया है और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो फाइंड करना है। तो यहां पर हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे 2π√i/mBh होता है, BH हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो सबसे पहले यहां पर हम टी वन लिखेंगे, थ्री सेकेंड है, 2π√i/mBh और ये टी टू की वैल्यू 4 सेकेंड, 2π√i/2 और ये बी एच होगा। इसका जब हम रेशियो लेंगे तो ये बी एच मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √i/1/i2 और ये √m2/m1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √m1/m2 की जो वैल्यू आएगी √m1/m2 हो जाएगा, ये 4/3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 √ के अंदर है, i1/i2 का रेशियो दिया है 3/2। अब m1/m2 निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे m1/m2, तो 16/9 और 3/2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/3, यानी m1/m2 का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा, 8:3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 2 concentric circular loops ऑफ रेडियस r1 = 30 cm, r2 = 50 cm आर प्लेस्ड इन xy प्लेन एज शोन इन द फिगर, द नेट मैग्नेटिक ए करेंट ऑफ 7 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू देम इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सर्कुलर लूप इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, आई की वैल्यू 7 एम्पियर दी गई है। तो देखिए यहां पर ये जो अंदर आर वन रेडियस की कॉइल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आउटसाइड होगा और आर टू रेडियस की कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो इनसाइड आएगा क्योंकि करंट सेम है और ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए के इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेंगे तो ये आई इंटू एरिया पाई आर टू स्क्वायर माइनस आई इंटू एरिया पाई आर वन स्क्वायर, ये डायरेक्शन इनसाइड माइनस के कैप आ जाएगी। आई की वैल्यू 7 सेम है सभी में, पाई की वैल्यू 3.14 ये भी सेम होगी, कॉमन ले लेंगे। आर टू रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 हो जाएगा
और आर वन 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ये 0.16 आएगी वैल्यू। और इसको यदि अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.16 और 3.14 को, तो 7 × अप्रोक्सीमेट 0.5 के आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2, और डायरेक्शन ये माइनस के कैप है, तो यहां से आंसर जो करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायंगुलर शेप्ड वायर कैरिंग 10 एम्पीयर करंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट सी डी इज, तो देखिए यहां पर सी डी सेगमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट होगा वो लेंगे, ये 60 डिग्री एंगल होगा तो 5 sin 60 हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी Fm, ये I B और ये 5 × 10⁻²² मीटर में लेंगे, साइन 60 के इक्वल होगी। करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 और ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0.216 न्यूटन, ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज B1। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सेस इज B2। रेशियो ऑफ B1 एंड B2 निकालना है। तो करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B की वैल्यू, ये B1 = μ0I/2R के इक्वल होती है, और एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0IR²/2R²+X²³/3/2 होती है, और B1/B2 का रेशियो निकालना है। तो यहां पर μ0I कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा R²X की वैल्यू है √3R का स्क्वायर करेंगे, और इसके पावर ये 3/2 है, और ये R² और R ये हो जाएगा R³, ये 3R² + R² हो जाएगा 4R² / R³, और इसकी पावर ये 3/2 है, तो इसका रूट लेंगे तो 2R आएगा, 2R का क्यूब करेंगे 8R³/R³ होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से B1/B2 की वैल्यू आ जाएगी 8/1, यानी जो आंसर करेक्ट होगा वो 8:1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ये इसकी वैल्यू ये θ/I के इक्वल होती है,
और ये एन ए बी अपॉन के, के जो है ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, तो करंट सेंसिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड को यदि अगर हम इंक्रीज करें तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें तो भी इंक्रीज होगी, एरिया को इंक्रीज करें तो भी इंक्रीज होगी, और टॉर्सनल कांस्टेंट को यदि अगर डिक्रीज करें तो भी इंक्रीज होगी। अब यहां पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड, ये बी ऑप्शन, और इसके बाद डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके okay?